हाय डियर स्टूडेंट, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट दैट इज नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एंटर और इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नो वर्क इज डन दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज रिमेन अनचेंज। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट होता है लेकिन वो वर्क डन नहीं करता है, यानी वो क्या करेगा, सिर्फ इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज नॉट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मीन्स इट नॉट चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर किसी ने अगर हमें अगर पूछा शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आए तो उसका क्या प्रूफ होगा, उसका क्या आंसर होगा। तो उसका जो प्रूफ है डियर स्टूडेंट वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है, जो मैग्नेटिक फोर्स जो रहता है, हिज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, ध्यान में रखना है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ओके, तो जो डॉट प्रोडक्ट जो होगा फोर्स का और वेलोसिटी का, जो डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स का और वेलोसिटी का, जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, दोनों भी वेक्टर हैं, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें दो वेक्टर में एंगल कौन सा रहता है, कोसाइन रहता है। ओके, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इट इज इक्वल टू जीरो। हमें प्रूव क्या करना है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इज रिमेन कॉन्स्टेंट, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो उसके लिए ये हमारी फर्स्ट स्टेप है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेप है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप जो रहेगी वो सेकंड स्टेप क्या रहेगी, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स को हम इट इज कन्वर्टेड इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स दैट इज इक्वल टू यम इनटू ये, फोर्स दैट इज इक्वल टू यम इनटू ये, तो इसको हम यम इनटू ये डॉट बी ऐसे कहेंगे। ओके, तो डॉट बी नहीं लिखा चलता क्योंकि एफ ई कॉस थीटा तो हमें पता है। सो इसका जो रहेगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू यम ए वी दैट इज इक्वल टू जीरो, यम ए वी दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यम ए वी दैट इज इक्वल टू जीरो, तो हमें ये पता है जो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीटी। ये फॉर्मूले में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो है इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन दिखाना है, तो यम डीवी बाय डीटी, यम डीवी बाय डीटी इंटू वी, यम डीवी बाय डीटी इंटू वी दैट इज इक्वल टू जीरो, यम डीवी बाय डीटी इंटू वी दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, डीडीटी दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में होगा यम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, डीडीटी यम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डीडीटी ऑफ
वन बाय टू एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। वन बाय टू से अगर हमने मल्टीप्लाइड अगर किया बोथ साइड्स को, यहां पे वन बाय टू से मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो यहां पे जीरो आएगा और यहां पे डी डी टी ऑफ वन बाय टू एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। और किसी का ये वेरिएबल होगा वो वेरिएबल का अगर हमने डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर जीरो से अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो ये जो वेरिएबल जो रहेगा इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट। उसका एक एग्जाम्पल जो है दैट इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये ऐसा होता है टॉर्क दैट इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है टॉर्क दैट इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी। और dl by dt दैट मीन्स ये जो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, l से एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट कब होगा when the torque acting on the body it is equal to zero, that means zero equal to dl by dt, so l equal to constant। ऐसा हमने किया है dear student, ऐसा हमने किया है। तो यही पे भी यही सेम प्रोसेस हम यहां पे अप्लाई अगर किया तो हमें क्या मिलेगा दैट इज वन बाय टू एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वन बाय टू एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही हमें शो करना था दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज रिमेन अनचेंज। प्रूफ है, क्या प्रूफ है? काइनेटिक एनर्जी रिमेन अनचेंज है तो प्रूफ क्या है? तो ये हमने ऐसा प्रूफ आपके सामने दिया है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। दैट मीन्स इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज नॉट चेंजेस, मीन्स द मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज नॉट चेंजेस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट इज नॉट चेंजेस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये होगा हमारा 1 बाय टू एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने काइनेटिक एनर्जी क्या दिखाया, कॉन्स्टेंट दिखाई। ओके, अब हमने जो कंसेप्ट जो स्टडी किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कंसेप्ट था। ओके, तो इसके हमें न्यूमेरिकल भी है डियर स्टूडेंट, हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसके न्यूमेरिकल भी हमें है। तो अगर ये हमने पता है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम दैट इज इक्वल टू बी क्यू वी, एंड व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट फॉर्म द सर्कुलर मोशन, इट फॉर्म द कर्वी लिनियर मोशन कहेंगे हम उसको। ओके, तो इट इज फॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। कौन सा भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर है तो इट रिक्वायर द सेंट्रीपिटल फोर्स टू कंटिन्यूस इन दैट मोशन। ओके, तो वो मोशन में उसको कंटिन्यूस अगर करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट होना जरूरी है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका बैलेंसिंग किससे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से होगा। तो इस पर से हमने आर की जो वैल्यू है वो हमने ऐसी निकाली थी, आर इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू, R इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू। ओके, R इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू है, R इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अगर मानो चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल जो एंटर हुए हैं उसकी अगर वेलोसिटी अगर सेम है, मानो प्रोटॉन एंटर किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रॉन ने भी क्या किया है, एंटर किया है, दोनों की भी वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अब वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। ओके, चार्ज क्या है, प्रोटॉन का भी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उतना ही चार्ज किसका है, प्रोटॉन का है। ओके, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्रोटॉन का भी है और इलेक्ट्रॉन का भी है, सिर्फ साइन का क्या है, फर्क है। ओके, तो यहां पे जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो फॉर्म करेंगे फिर, ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, मींस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल।
सिंपल, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज की भी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, दैट मींस द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और ये अगर इस ये इक्वेशन से हम क्या कहेंगे फिर, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, दैट मींस लार्जर मोमेंटम अगर है, मोमेंटम अगर लार्जर है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगी, लार्जर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन हम यहां इसके बाद निकालने वाले हैं डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगी, लार्ज होगी। दैट मींस प्रोटॉन का जो मास है, दोनों ने भी एंटर किया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की जो रेडियस रहेगी वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रहेगी या प्रोटॉन की ज्यादा रहेगी। तो ये इक्वेशन पर से हमें क्या नजर आ रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बोथ द चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द प्रोटॉन इट इज मोर। मींस आप यहां से एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो अगर लार्जर अगर मोमेंटम अगर है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगी, लार्ज होगी। और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अगर लार्ज है तो उसका कर्वेचर भी क्या होगा, लार्ज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। अगर लार्जर मोमेंटम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लार्ज, यहां तक ठीक है, लेकिन उसका जो कर्वेचर जो है, उसका कर्वेचर इट इज नॉट लार्ज, इट इज अ स्मॉल। मीन्स जो ट्रैजेक्टरी जो फॉर्म करेगा प्रोटॉन, जो ट्रैजेक्टरी जो क्या करेगा फॉर्म करेगा, वो ट्रैजेक्टरी उसका जो कर्वेचर है इट इज द स्मॉल। अब व्हाई द प्रोटॉन फॉर्म द स्मॉल कर्वेचर इवन दो इट्स रेडियस इज लार्ज, इवन दो इट्स रेडियस इज लार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रीजन है इसके पीछे डियर स्टूडेंट, बिकॉज फॉर द लार्ज मोमेंटम, और दी लार्ज मोमेंटम जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकम्स टू डिफिकल्ट टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन, सडनली डायरेक्शन चेंज करना मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट होगा उसके लिए डिफिकल्ट जाता है फॉर द लार्जर मोमेंटम के लिए। उसके लिए जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लार्ज है लेकिन उसका जो कर्वेचर है वो क्या है, स्मॉल है। बहुत डेली लाइफ एक्सपीरियंस में भी हम ऐसा एग्जांपल एक्सपीरियंस करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर हम कार अगर फास्ट अगर मूविंग अगर कर रहे हैं, ओके फास्ट अगर मूविंग अगर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कार अगर सडनली अगर टर्न अगर करना है तो उसके लिए हमें स्मॉल ही कर्वेचर यूज करना पड़ेगा। हम ज्यादा दूर से अगर फास्ट मूविंग है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज्यादा है, लेकिन जो कार का जो हम जो स्टेरिंग है, हम स्टेरिंग वो सर्कुलर पाथ से नहीं टर्न करते हैं, हम स्मॉल कर्वेचर क्या करते हैं, चूज करते हैं। दैट मींस द रेडियस इज मोर, मोमेंटम इज मोर, बट कर्वेचर इज स्मॉल, सो ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल कर्वेचर फॉर प्रोटॉन, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन इज लेस बट इट्स कर्वेचर इज लार्ज, बट इट्स कर्वेचर इज लार्ज। तो कर्वेचर के लिए ये जो इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन था डियर स्टूडेंट, ओके।